بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. صدق الله العظيم. अच्छी बात कहना या कह देना और दरगुजर करना उस सदके से बेहतर है जिसके बाद कोई तकलीफ पहुंचाई जाए। अल्लाह बेनियाज, बड़ा बेनियाज और बहुत बुरदबार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अक़वाले ज़री, बेहतरीन बातें, अहम बातें। फूल बन जाओ, फ्लावर की तरह बन जाओ ताकि लोग आपकी खुशबू सूंघें और आपके साथ जुड़ जाएं। अमीरी कनाअत में है, इलम तकवा में है, इज्जत लोगों के सामने हाथ फैलाना छोड़ने में है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने में अच्छाई है। और अच्छा इंसान बन जाता है जो अपने लिए अच्छा पसंद करते हो वो दूसरों के लिए पसंद करो, आदिल बन जाओगे। ताकतवरी अल्लाह पर तवक्कल करने में है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। रिज़क की कुशादगी हमेशा वुज़ू में है, पाकी में है। दुआओं की कबूलियत हराम ना खाने में है, हराम से बचने में है। ईमान की तकमील अच्छे अखलाक में है। क़यामत के रोज़ गुनाहों से पाक उठाया जाना गुसल करने में है। बुराइयों में कमी हो जाए तो कसरत से तौबा की जाए। क़यामत के रोज़ नूर में उठना चाहते हो तो जुल्म करना छोड़ दो। अल्लाह का रहम बंदों पर रहम करने में है। अल्लाह की पर्दापोशी लोगों की पर्दापोशी में है। रसवाई से बचाओ बदकारी से बचने में है, बदकारी छोड़ने में है। अल्लाह व रसूलहू की महबूबियत, उन लोगों से मोहब्बत करो जो अल्लाह को और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब बनाते हैं, यानी उन लोगों से मोहब्बत की जाए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़ों पर चलते हैं। अल्लाह की फरमाबरदारी फ़राइज़ के अदा करने में है। एहसान करने वाला बनने चाहते हो तो अल्लाह की ऐसी बंदगी करो या तो तुम अल्लाह को देख रहे हो या वो आपको देख रहा है। गुनाहों से जो चीज़ माफ़ करने वाली है, गुनाहों से जिस चीज़ की जिस चीज जिन चीज़ों से माफ़ी होती है वो फरमाया आंसू, आजजी। जो चीज़ दोज़ख की आग को ठंडा करेगी, दुनिया की मुसीबतों पर सब्र करो। अल्लाह के गुस्से को जो चीज़ ठंडा करेगी, चुपके चुपके सदका और सिला रहमी। सबसे बड़ी बुराई ये है कि बद अखलाकी और कंजूसी। सबसे बड़ी अच्छी अच्छाई है अच्छे अखलाक, तवाज़ो, सब्र। अल्लाह के गुस्से से बचने के लिए लोगों पर गुस्सा करना छोड़ दो। दूसरों को तंग न करने में और दूसरों पर जुल्म न करने में अल्लाह का रहम नाज़िल होता है। दूसरों को खुश करने से अल्लाह खुश हो जाते हैं। अल्लाह पाक मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।